नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ साक्षी मंगाई। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। सीएम धामी ने किया मां पूर्णनगरी मेले का शुभारंभ। छोलिया नृत्य के साथ रंगारंग आगाज। रुद्रप्रयाग के जवाड़ी बाईपास रेलवे टनल में मजदूर की मौत। नाराज लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे किया जाम। उत्तराखंड में हुई पहले पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ने लगी आग की घटनाएं। बागेश्वर में बहुली के जंगल में लगी आग। होली के दिन माता में बदली खुशियां। एक ही परिवार के दो युवकों की मौत। अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत के सुप्रसिद्ध पूर्णनगरी मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा छोले नृत्य किया गया और पूर्णनगरी माता के जयघोष के साथ मेले का शुभारंभ हुआ। 9 मार्च से 9 जून तक चलने वाले पूर्णनगरी मेले में शामिल होने के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंचते हैं। वही मेले के सफल संचालन के लिए प्रशासन ने 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए हैं। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जवाड़ी बाईपास पर रेलवे टनल निर्माण के दौरान एक मजदूर की गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार टनल में निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान निर्माण कार्य में लगी हाईवा ट्रक टनल में प्रवेश कर गया, जिसमें निर्माण कार्य में लगा मजदूर फ्रेम पर खड़ा था। उसमें झटका लगने से वो गिर गया और मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मजदूर की मौत से आक्रोशित लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे पर चक्का जाम किया और विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय कृषि बीमा योजना की पहले पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत आज देहरादून से की गई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड में बीमा योजना की शुरुआत की। इस मौके पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरमैन गिरिजा सुब्रमण्यम मौजूद रही। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। इसी क्रम में बागेश्वर के बहुली के जंगल में बुधवार देर शाम आग लग गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पाया, जिसके बाद विभाग के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। बता दें कि उत्तराखंड वन विभाग ने 15 फरवरी से 15 जून के बीच के समय को फायर सीजन घोषित कर रखा है और ये समय विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां होली वाले दिन एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। हल्द्वानी के रिक्शा चालक अनिल सक्सेना ने होली खेलने के बाद पारिवारिक विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार में छोटे भाई की मौत का सदमा बड़ा भाई भी बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। एक ही परिवार में दो भाइयों की मौत से घर में मातम का माहौल हो गया है। जोशीमठ बचाओ अभियान को लेकर युवाओं ने पैदल यात्रा शुरू की है। इस पैदल यात्रा की शुरुआत जोशीमठ से हुई। आज पैदल यात्रा श्रीनगर पहुंची, जहां पैदल यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस दल में सचिन रावत, आयुष टिमरी, मयंक बुंजवान, ऋतिक रागा सहित अन्य लोग शामिल रहे। बता दें कि 14 मार्च को यात्रा देहरादून सीएम आवास की ओर कूच करेगी। गुरुवार की सुबह देहरादून के दिलाराम बाजार में स्थित राज प्लाजा का परिसर आग से सुलग उठा। तत्काल दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने के लिए बुलाया गया। दमकल की अनेक गाड़ियां आग बुझाने के लिए दिलाराम बाजार के राज प्लाजा परिसर पहुंची। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीमों को करीब 1.5 घंटे का समय लगा। संतोष की बात रही कि इस अग्निकांड में जान का नुकसान नहीं हुआ। काशीपुर में रंगों के पर्व होली की मस्ती उस वक्त मातम में बदल गई, जब डीजे पर डांस के दौरान हुए विवाद में युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आरोपियों में से एक की गिरफ्तारी के बाद बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दबिश दिए जाने की बात कह रही है। घटना के बाद से पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नए परिवहन एक्ट के तहत प्रदेश की सड़कों पर दौड़ने वाले 15 साल पुराने सरकारी वाहन 1 अप्रैल से कबाड़ हो जाएंगे। अहम बात यह है कि अब 15 साल से पुराने वाहनों की नीलामी नहीं की जाएगी, बल्कि उन्हें स्क्रैप किया जाएगा। इसके लिए विभाग परिवहन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से अपने वाहनों की स्क्रैप नीलामी कर सकेंगे। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र में स्थित रोड़ी बेलवाला इलाके में गुरुवार तड़के दुकानों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि उसके देखते ही देखते 8 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, जिससे आसपास स्थित अन्य दुकानें बच गई। गनीमत इतनी रही कि इस आग की चपेट में आकर कोई जनहानि नहीं। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।